भीख महात्री को जानते हैं? कौन भीख? वहां बैठे। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में जिस रील्स वायरल स्टेटस वीडियो को देखा, दोस्तों आज मैं आपको कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम रील्स पर अभी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है, तो दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी फ़ोटो से कुछ इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाकर डालेंगे तो आपकी वीडियो भी रील्स पर वायरल हो सकती है। गाइस इस तरह की स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको कानमास्टर ऐप को डाउनलोड करना है। गाइस आपको कानमास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कानमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कानमास्टर ऐप को ओपन करना है। आप देख सकते हैं मैंने कानमास्टर ऐप को ओपन कर लिया है। ओपन होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से गाइस आपको नॉन एसोसिएटेड की साइज को सिलेक्ट करना है। आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर आपको एक वीडियो क्लिप को इसमें सिलेक्ट करना है। इस वीडियो को बनाने में जो भी वीडियो इफेक्ट और साउंड यूज होंगे आपको उन सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको लिंक पर क्लिक करके सभी इफेक्ट और वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। गाइस आपको इस वीडियो के साउंड को निकाल लेना है। यहाँ से आपको नीचे जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एस्ट्रैक आइडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस आप देख सकते हैं इस वीडियो का साउंड निकल कर आ चुका है। आपको भी इसी तरह से वीडियो के साउंड को निकाल लेना है। गाइस आपको बैक आना है, आपको वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद जहाँ से आपका ये वॉलपेपर आ रहा है यहाँ से आपको वीडियो को कट करना है। तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ से वीडियो को कट करना है। कट करने के लिए आपको कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला है ट्रिम टू राइट टू पेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हैं वीडियो बीच में से कट हो चुकी है। इस तरह से आपको वीडियो को कट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो को इसमें सेलेक्ट करना है। इस तरह से गाइस आपको एक फ़ोटो को इसमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट होने के बाद आपको फ़ोटो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिला है क्रॉपिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से गाइस आपको दोनों उंगलियों की मदद से फ़ोटो को जूम करना है। इस तरह से आपको अच्छे से फ़ोटो को सेट करना है। सेट होने के बाद यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। आपको फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसकी लेयर को खींचकर साउंड की लेयर के बराबर कर देना है। इस तरह से यहाँ से आपको इसको डन करना है। गाइस आपको बीच में एक प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट मोर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से इफेक्ट आ जाएंगे। तो आपको सेकेंड नंबर पर एक ऑप्शन मिल रहा है एक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा सेकेंड, इस वाले इफेक्ट को आपको डाउनलोड करना है। तो आप देख सकते हैं हमें सेकेंड वाले इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड वाला, यहाँ पर आप क्लिक करके इस इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो आपको यहाँ पर सेकेंड वाले इफेक्ट को लगाना है। आपको सेकेंड वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद गाइस आपको चौथे नंबर वाले इफेक्ट को इसमें लगा देना है। इस तरह से यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको फोटो को बीच में से कट करना है, फोटो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको स्प्लिट एट प्लेट पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको फोटो को बीच में से कट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सेकंड वाले इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको फर्स्ट नंबर वाले के इफेक्ट को इसमें लगा देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। अब गाइस आपको फोटो की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को खींचकर साउंड की लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आपको इस तरह से साउंड को सुनकर वीडियो को सेट करना है। अब गाइस जहाँ से आपका वॉलपेपर आ रहा है यहाँ से आपको एक धुएं वाले इफेक्ट को इसमें लगाना है। आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक धुएं वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है।
इस तरह से गाइस आपको धुएं वाले इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा लेना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है, नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको धुएं वाली वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसकी एक्स्ट्रा लेयर को पीछे से कट करना है। कट करने के लिए आपको कैची वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू बेड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक्स्ट्रा लेयर पीछे से कट हो जाएगी, यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। हम वीडियो को चला कर देखेंगे। गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितने अमेजिंग तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहां से नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी फोटो लगाकर रील्स वायरल स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।